हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का पार्ट 29। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान संगीन से ब्रेकअप करने के लिए उसे बात करने के लिए जाता है। अब आगे की स्टोरी। जान अपने दिल की बातें कहते हुए कहता है, यन मैं तुम्हें कोई यूज़ नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें प्यार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर मेरा दिल तुम्हें चूज नहीं कर रहा है। मगर संज्ञान फोर्सफुली मुस्कुराते हुए अपने दिल की दर्द छुपाते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? क्या उसे फाइनली रियलाइज हो गया कि वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें चाहता है और तुमने उसे एक्सेप्ट कर ली? संज्ञान चक्कर करते हुए बस उसकी तरफ देखने लगता है। संज्ञान बैठ जाता है और जान को अपने लैप पर बैठा कर जान के आंसुओं को वाइप करते हुए कहते हैं, क्या तुम रोना बंद करोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे आंसुओं से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। प्लीज़ रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। मुझे पता है हमारा रिलेशनशिप एंड तक नहीं जाने वाला था, फिर भी मैं भरोसा करता था कि तुम मुझे एक न एक दिन ज़रूर प्यार करोगे। मगर मुझे अच्छी तरीके से पता था तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैं बस तुम्हें फोर्स कर रहा था कि मुझे प्यार करने के लिए। जहान वो तो भी कहता है, नहीं यन, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर उस नज़र से नहीं। मेरी दिल बस उसके लिए ही धड़कता है। चाहे वो मेरे साथ कैसा भी ट्रीट क्यों ना करो, उसने मुझे प्रपोज किया है, मैं भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यन। वो संगीन के नेक पर अपना फेस छुपाने लगता है। जान उसे अपोलॉजी करने लगता है। उसे भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि संज्ञान ही एक ही पर्सन था जो उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया और उसे ब्रेकअप करके वो भी बहुत ज़्यादा दुखी था और बस यही होप कर रहा था कि संज्ञान उसे अच्छे से समझ ले। अगर वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होता तो संज्ञान ही एक ही पर्सन था जो जान के दिल को जीत सकता था। संज्ञान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जैसे वो ना रोए, मगर जैसे ही वो देखता है जान रो रहा है और वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि वो उस प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया था। उसी वजह से संज्ञान भी रोने लगता है, मगर वो जान को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। वो फाइनली अपने आंसुओं को वाइप करते हुए फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, जान प्लीज़ अब रोना बंद करो, मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से रो। ठीक है, आज से हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दोस्त नहीं हैं। तुम आज से मेरे दोस्त हो। मैं बॉयफ्रेंड के रूप में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर फ्रेंड के रूप में मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो जान की तरफ देखने लगता है और चक्कर करने लगता है। जान जो अपने फिंगर के साथ बस खेल रहा था और संज्ञान के आइज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। संज्ञान कहता है, जान मेरी तरफ देखो, गिल्टी फील मत करो, अब से तुम मेरे फ्रेंड हो। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस बार मैं सोचना बंद करो कि तुमने मुझे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम इपो से प्यार करते हो। और वह जान के आंसुओं को वाइप करते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, अब बताओ तुम श्योर हो कि वो तुम्हें प्यार करता है, वो फिर से चेंज नहीं होगा? और तुम इस बात से श्योर हो कि वो तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, वो तुम्हें प्यार करता है? क्योंकि आई स्वेयर जान, अगर इस बार तुम्हें कोई भी हर्ट किया ना तो मैं उसे जरूर मार डालूँगा। संज्ञान उसे चिढ़ाते हुए कह रहा था। जान कहता है, मुझे नहीं पता यन, मुझे नहीं पता वो सडनली इतने तो चेंज क्यों हो गया, मगर मैं बस चाहता हूँ, मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे चाहता हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे प्यार करता है, मुझे केयर करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ तक मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे वही बनाना चाहता है। संज्ञान अब अपने दिल को पकड़ लेता है और वो कहता है, उस मैं तो जेलस हूँ उसे, और वो ऐसे आउट करता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जान को बहुत चिढ़ाने लगता है। जान भी उसकी ऐसी बिहेवियर देखकर वो गिगल करने लगता है। संज्ञान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर हमेशा ये बात याद रखना,
अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरा आर्म हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मैं हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आई लव यू जान, और मैं बॉयफ्रेंड के रूप में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और उस मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जब तुम मेरे साथ थे। अब चलो तुम मुझे ब्रेकअप किस करो, ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। जान तो पहले हेजिटेट हो रहा था मगर वो इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता था। जान भी उसे किस करने के बाद कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए, और वो मोमेंट भी मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है। थैंक यू, ये कहकर वो अपने बैग को लेकर संज्ञान के लैब से उठकर वहाँ से चला जाता है। संज्ञान अपने फेस को कवर करके साइलेंटली रोने लगता है। मुझे पता है हमारा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं था मगर फिर भी तुम्हारे जाने से मुझे इतने तो हर्ट क्यों हो रहा है। मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। आई लव यू जान, मैं बस तुम्हें खुश तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। वेनन जो इतनी देर से उन लोगों की बातें सबके सबको सुन रहा था वो मुस्कुराते हुए फाइनली बाहर आ जाता है और ऐसा प्रिंटेड करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। वो संज्ञान के पास जाते हुए कहता है संज्ञान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो, ये कहकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। संज्ञान जैसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड को देखता है वो इमीडिएटली उसे पकड़ कर बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। कहता है हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने अभी जान से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उससे मुझसे भी ज़्यादा और कोई प्यार करता है। वेनन कहता है यन मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दिया था कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वह बस तुम्हें यूज़ कर रहा है। संज्ञान कहता है प्लीज़ वोहान इस तरह बातें कहना बंद करो, मैं नहीं चाहता, मैंने उसे फोर्सफुल किया था कि वो मुझसे प्यार करे, वो तो कभी भी मुझे प्यार नहीं करता था, मैं बस उसे खुश होते हुए देखना चाहता हूँ, वो अपने प्यार के साथ हमेशा खुश रहे, वो खुशियाँ डिजर्व करता है, उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफर किया है, अब उसे खुशियाँ मिलना चाहिए। वेनन अपने मन में कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे वो मरे ही क्यों ना जाए, मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मगर वो संज्ञान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बस नोट करता है। वेनन कहता है ठीक है अब चलो, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कहकर वो संज्ञान को खींचते हुए ले जाने लगता है। संज्ञान मगर उसके हाथ छुड़ाते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। वेनन चिल्लाते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरी तरफ हिप्पो यंग जी को इग्नोर करते हुए अपने फ्रेंड ईश्वन और उसी के पास चला जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गुस्से से बस यंग जी की तरफ घूर के देखने लगता है। वो अपने किताब को टेबल पर मारते हुए कहता है वो बीच मैं उसे मार डालूँगा, मेरी मदर ने तो मेरी लाइफ को मेजर रोल बना के छोड़ दिया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं उसे साथे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हुसुक अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है हे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या हुआ है। फाइनली इपो बैठ कर अपने आप को कम डाउन करने की कोशिश करता है, वो तो यंग जी के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद कहता है मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैं फाइनली जान को प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट ही कर ली। वो दोनों दोस्तों पूरी तरह शौक हो जाता है। ईश्वन गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, तुमने संज्ञान के बॉयफ्रेंड को छीन ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ईश्वन को अच्छे से पता था कि इपो जान से कितना ज़्यादा प्यार करता है मगर उसने कभी उसे कन्फ्यूज नहीं किया। जब संज्ञान का वो बॉयफ्रेंड है वो इस तरह कैसे कर सकता है। इपो कहता है वो उसे प्यार नहीं करता, तुम्हें अच्छे से पता है मैं जान के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और मैं उसे संज्ञान के साथ भी नहीं देख सकता, और तुम्हें पता है मुझे मैनिपुलेट किया गया था मगर अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, अब वो बस मेरा है। ईश्वर कहता है इट्स अनफेयर, ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। ओ माय गॉड संज्ञान
टेक इट ईजी। संज्ञान जो खुश से उन लोगों के पास आ रहा था, वैनान भी उसे फॉलोअप कर रहा था। अब संज्ञान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इबो जैसे ही संज्ञान का नाम सुनता है, वो भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। संज्ञान गुस्से से आकर इबो के कलर को पकड़ते हुए उससे पांच मारता है। इबो ने जान से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करेगा, और उसे भी यही एक्सपेक्ट था कि संज्ञान उसे ज़रूर फाइट करने के लिए आएगा। इबो अपोलोजी करते हुए कहता है, आई एम सॉरी संज्ञान, तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। संज्ञान कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता था कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था वो मुझे प्यार नहीं करता, फिर भी मैं उसे प्यार करता था। मगर तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम यही चाहते हो, तुम श्योर हो कि तुम्हारे माँ वापस आने के बाद तुम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, मुझे आंसर दो। ये कहकर वो इबो के कलर को और टाइटली पकड़ लेता है। इबो अपोलोजी करते हुए कहता है, मैं उसे प्यार करता हूँ संज्ञान, मैं उसे अपनी लाइफ से भी ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करूँगा, अपने मामा से भी उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी मेरे वजह से। इबो संज्ञान की आंखों की तरफ देखने लगता है, वो उसका दर्द अच्छे से समझ सकता था। संज्ञान फाइनली इबो के कलर को छोड़ देता है और कहता है, अपनी बातों पर कायम रहना, उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना, उसे हमेशा खुश रखना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो फिर मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। ये कहकर वो आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए वैनान के हाथ को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इबो अपने दोस्तों की तरफ देखने लगता है। हुसुक कहता है, तुमने ऐसा रियली में किया, मैंने उसे कभी भी इस तरह नहीं देखा था, उसके आंखों में दर्द क्लियरली दिखाई दे रहा था। और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम भी जान को कभी भी हर्ट मत करना, क्योंकि संज्ञान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और मैं भी। ईश्वर भी नोट करते हुए कहते हैं, हाँ मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे दोस्त को हर्ट किया है। दूसरी तरफ जान अपने क्लास के अंदर आते हुए मन में सोचता है, मैंने फाइनली उसे बैकअप कर लिया। उसके आंखों में उसकी दर्द क्लियरली दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह बस मैं ही हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए अपने क्लासरूम के अंदर आता है। डायलन जो अपने सीट पर बैठा हुआ था, तो जान उसके पास जाकर बैठ जाता है। डायलन उसके बैग को पैट करते हुए शांत करते हुए कहता है, डोंट वरी, अब ज़्यादा बात सोचो, मुझे पता है संज्ञान तुम्हें अच्छे तरीके से समझेगा, वो तुम्हें बस खुश देखना चाहता है, तुम अपने बहू के साथ हमेशा खुश रहना। डायलन तो बस उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। जान कहता है, मगर मुझे संज्ञान के साथ ब्रेकअप करके बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं इबो के साथ हूँ, मगर फिर भी मैं दुखी हूँ। कुछ देर बाद जब इबो अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम के अंदर आता है, तो जान उन सबको देखकर खुश हो जाता है, मगर जब वो संज्ञान और वैनन को क्लासरूम में नहीं देखता, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इबो जान के पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। यांग जी जब उन दोनों को इस तरह साथ में बैठे हुए देखता है, वो तो कुछ भी नहीं समझ पाता कि सडनली इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि वो चेंज हो गया। वो अपने दंतों को ग्रेट करते हुए बस उन दोनों की तरफ देखने लगता है। उसे तो लेक्चर की बातों पर कोई भी कंसंट्रेट नहीं था, उसकी नज़र बस इबो और छान के मुस्कुराते हुए फेस पर था। मैं घर में जाकर आंटी को कॉल करके सारी बातें बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो दोनों सच में रिलेशनशिप में आ गए हैं, संज्ञान कहाँ पर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ को रोकना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलस भी था। दूसरी तरफ संज्ञान और वनन अपने घर पर आ गए थे। ज़रूर वो जान और इबो के रिलेशन को एक्सेप्ट कर चुका हो, मगर अपने दिल को इतने देर समझा भी तो नहीं सकता था।
वो इस सब दर्द को भुलाने के लिए वो अपने स्टोरेज रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है और वो नन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मेरे से ड्रिंक करोगे? वेलकम, मैं फिर से सिंगल हो गया। ये कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। वह नन उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, संज्ञान इस तरह करना बंद करो, अपने आप को हर्ट करना बंद करो। संज्ञान फिर से क्लास लेकर ड्रिंक करते हुए कहता है, मैं इसलिए हर्ट नहीं हूँ कि झार ने उसे चूस किया, मैं इसलिए हर्ट क्यों हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं फिर से किसे प्यार कर सकूँगा या फिर नहीं, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वैनन संज्ञान के और करीब आते हुए कहता है, तो फिर मेरा क्या, क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? रिप्लेसमेंट में से ही तुम मुझे प्यार करो। संज्ञान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, तुम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। ये कहकर वो संज्ञान के करीब जाकर उसे किस करने लगता है। संज्ञान जब वैनन के फेस की तरफ देखता है, उसे ड्रंक होने के वजह से उसे बहुत छान लगता है। वो भी उसे रिटर्नली किस करते हुए उसे अपने गोदी में लेकर अपने रूम में आ जाता है और वो उसके कपड़े उतारते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता। ये कहकर वो वैनन को छान इमेजिन करके उसे बेड पर पोज करते हुए उसे किस करने लगता है।